ये ऐश्वर्या शर्मा डॉटर ऑफ दिनेश चंद शर्मा ने अपने घर पे सुसाइड कर लिया है, और इसमें अनिकेत दीक्षित और अनिकेत पांडे के विरुद्ध छेड़छाड़ का एक मुकदमा थाना में पंजीकृत था, उसी के क्रम में आज इन्होंने सुसाइड कर लिया है। क्या क्या घटनाक्रम रहा उसके क्रम में, मतलब क्या वो लोग परेशान कर रहे थे? बिल्कुल, वो इन्हीं के क्लासमेट थे और एक सीनियर थे, उसमें से अनिकेत दीक्षित इनका क्लासमेट था, बीबीए की छात्रा थी ये, और अनिकेत पांडे इनका सीनियर था। उनके द्वारा कुछ इनको परेशान किए जाने की बात रही है, और इनके पिता के द्वारा भी कुछ इनको बीच में दबाव दिया जाता रहा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। सर ये बताइए, आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस में कल चौकी को बुला करके समझौते का दबाव बनाया गया, पुलिस ने समझौते का दबाव बनाया और उसी दबाव से आज ही जाकर के परेशान होकर उनकी तहरीर में इस विषय में भी कहा गया है, इस विषय में भी उन्होंने बात कही है। बिल्कुल जांच होगी, और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। पुलिस की प्रताड़ना है या छेड़छाड़ का मामला है? अभी थोड़ा सा ये जांच का विषय है, और तहरीर के बाद विवेचना में ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। डेढ़ महीने पहले मुकदमा लिखा गया था, क्या कार्रवाई की पुलिस ने? डेढ़ महीने के मध्य साक्ष्यों का संकलन हुआ और बयान के लिए इसी क्रम में बुलाया गया था। तहरीर जो उन्होंने दी है, FIR की कॉपी आपको मिल जाएगी। आरोपों की जांच होगी, निश्चित रूप से जांच होगी। जो आरोप लगाए गए होंगे उनके तहरीर में जो भी बातें आई वो तो तहरीर की बातें तो FIR में आ जाएंगी, और विभागीय स्तर पर निश्चित रूप से जांच होगी अगर उनके द्वारा आगे भी कोई बात कही जाती। सर ये बताइए कि बहुत पहले सूचना मिली थी पुलिस को भी, और ये बात पता चल गई कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, अभी तक इतने घंटे हो गए, अभी तक बॉडी को उतारा नहीं गया, टंगी हुई है, क्या कारण रहा है? नहीं, उसकी दो बातें हैं, ऐसी स्थिति, एक तो फोरेंसिक टीम के साथ साथ वह स्थिति, उनकी बेटी को भी वहाँ से आना था, जब सारी चीज़ें संतुलित लगने लगेंगी कि उसके बाद डेड बॉडी उठा दी जाएगी और आगे सारी कार्रवाई कराई जाएगी। फोरेंसिक टीम लेट नहीं है, फोरेंसिक टीम चूंकि जोनल स्तर पर एक ही होती है, विभिन्न जगहों पर रहती है, आ गई है और वो अपना कार्य कर रही है।